मेरे भाई ने, प्रमोद कुमार ने साहिबा मलिक एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी 16 मार्च को, और थाने में उसके कोर्ट मैरिज के कागज भी आ गए, सब कुछ आ गया। 16 मार्च के बाद शादी के कागज आ गए थे, लड़की बालिक है, खुश है, सब कुछ है। लेकिन आज 12 बजे मेघराज जो कस्बे के दरोगा है उसके साथ दो कांस्टेबल सिविल वर्दी में हमारे घर में घुसे इस चौक में, और मेरा भाई जो छोटे वाला है उसके साथ मारपीट करी, मुंह से 500 उसकी ब्लीडिंग हुई, और ब्लीडिंग होने के बाद उसका पैर तोड़ दिया। 151 में उसका चलान करने के लिए कह रहे, और मुझे ये कह रहा जो दो एक्स्ट्रा कांस्टेबल थे मेघराज सर के साथ कि चमारी तेरे भाई ने मुसलमान लड़की से शादी करी और हमारे साथ तू लिविंग रिलेशन में रहे, लिविंग रिलेशन में रहने के लिए दो में सिविल वर्दी वाले कांस्टेबल मुझे कह रहे थे और चमारी चमारी कर रहे थे। सर क्या मैं ऐसी महिला हूँ क्या मुझे चमारी कह के दो कांस्टेबल लिविंग रिलेशन रहने के लिए दबाव बनाएंगे मेरे ऊपर? और मेरे पापा जो पागल खन्ना है दिल्ली का इवास हॉस्पिटल सादरे वाला, उसके पेशेंट है देखो वेदपाल सिंह, ये रहे उनके डॉक्यूमेंट्स। मेरे पापा को धक्का दिया मेघराज सर ने उन दो कांस्टेबल ने। मेरा छोटा भाई जो साइकेट्रिक पागल है दिमाग से, जिसका पागल खाने से इलाज चला हुआ है, सुरजीत सिंह, मेरे घर में दो पागल खाने के हॉस्पिटल के पेशेंट है, दोनों साइकेट्रिक पेशेंट है 5-5 सालों से, और उन्हें हाथ लगाना भी वो है, और उनको भी धक्का दे के गए वे कांस्टेबल। और उन कांस्टेबल और मेघराज सर ने मुझे ये कहा चमारी करवाएंगे मुसलमान लड़की से शादी और तू हमारे साथ रह ले लिविंग रिलेशन में, और सारे को घरुंटे मार के गए, मेरे कपड़े तक का फाड़ गए वे दो कांस्टेबल और मेघराज सर। मेघराज सर जितना बदतमीज आदमी कोई नहीं है यहाँ, इतनी बुरी तरह मार के गए और यही मेरे भाई को मारा, नाक से कान से ब्लीडिंग आई, पैर तोड़ दिया, और फिर सड़क पे को घसीटते हुए लेके गए, और सड़क पे को घसीटने की वीडियो है सर मेरे पास, मैं वीडियो भी दिखा दूंगी वो, और इतनी बुरी तरह मार के गए, और ये कह रहे कि तू हमारे साथ लिविंग रिलेशन में रह ले। और जो दूसरा कांस्टेबल था जो व्हाइट व्हाइट पे कुछ कलर सा हो रहा था शर्ट पे, उसने यूं कहा कि 5 लाख रुपए देगी तब जाके हम तेरे भाई को छोड़ेंगे, मुस्लिम समुदाय की लड़की का केस है। अरे सर जब कोर्ट मैरिज के कागज आ गए तो आज हमारे घर 12 बजे आके बदतमीजी करने की कौन सी बात आ रही थी? मेरे पापा जो सीनियर सिटीजन है, इवास के पेशेंट है, माना वो जो पागल खाने के पेशेंट है, उनके साथ धक्का दिया मेरे पापा को, उन्हें हाथ लगाना डॉक्टर ने कह रखा इवास के कि हाथ भी नहीं लगा सकते इनको, उन्हें धक्का दे के गए हैं। और मेरा भाई जो मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरा भाई और हमारी जो आजीविका चला रहा मेरा भाई, और उसकी शादी भी है सर अभी अगले महीने, उसका पैर तोड़ दिया सर, बताओ कैसे उसकी शादी होगी? उसका पैर तोड़ दिया, उसका कान का पर्दा फाड़ दिया, उसकी एंगेजमेंट हो रही, उसकी एंगेजमेंट के फोटो है हमारे पास, उसकी शादी का कार्ड है हमारे पास, अगले महीने उसकी शादी होनी, उसका कान का पर्दा फाड़ दिया, उसका पैर तोड़ दिया, और हम यूं कह रहे 151 में चलान करेंगे, घर से घसीटते हुए ले गए, और यहाँ से कपड़े फाड़े उन दो कांस्टेबलों ने मेरे और मेघराज सर ने, और ना कोई महिला कांस्टेबल लेके आए अपने साथ, कुछ भी नहीं लेके आए, घर में ऐसे घुसे, मेरा खांसी जुकाम नजला बुखार ऐसे हो रहा, ऐसे ही आगे घुस के और मार धाड़ करने लगे हमारे साथ। ये कोई तरीका है कांस्टेबलों का कि भाई पुलिस बल के साथ आएंगे और महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे? हमारा कसूर बताओ क्या है? जिन्होंने शादी कर ली उन्होंने थाने में कोर्ट मैरिज के कागज भेज दिए, ये थोड़ी में हमें टॉर्चर करेंगे? मेघराज सर मुझे 13 मार्च से टॉर्चर करने लग रहे हैं, रात को 10-10 बजे भी मुझे थाने में ले जा पकड़ के, मेरे पास वीडियो भी है। और चमारी बतावे वे दो कांस्टेबल मुझे कि चल चमारी वे जो मेघराज के साथ कांस्टेबल थे, ये सर ये थोड़ी मैं ऐसी में आती हूँ तो मुझे चमारी चमारी कहेंगे? 20 थप्पड़ मारे उन दो कांस्टेबलों ने मुझे चमारी 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 कह के।